तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जिसमें पहला पार्ट है 26 एंड 91, सेकेंड पार्ट है 510 एंड 92 और थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये भी वेरीफाई करना है दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट भी सेम इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। अब दोस्तों इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? दोस्तों इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो दोस्तों ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं दैट एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। वंस अगेन एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी इन दोनों का जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको मल्टीप्लाई करने से हमें एचसीएफ मिलेगा। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है 13 और स्मॉलेस्ट पावर क्या है? स्मॉलेस्ट पावर है 1। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 13 टू द पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू 13। और दोस्तों एलसीएम क्या होगा? नाउ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। दोस्तों इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं देखना है। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी हर प्राइम फैक्टर को आप लीजिए, उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको आप लीजिए और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहां पे प्राइम फैक्टर है 2 और 7 और 13 और इनकी ग्रेटेस्ट पावर है 1। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 एंड दैट इज इक्वल टू 182। तो यहां पर देखिए हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिया, अब हमें अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। नाउ एचसीएफ इज इक्वल टू 13 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 182। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 26 इंटू 91 एंड दैट इज इक्वल टू 2366 एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 13 इंटू 182 दैट इज इक्वल टू 2366। अब यहां पर देख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यहां पे हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए दोस्तों अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 510 एंड 92। इसको सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 23। आप इनको अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, यही इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब यहां पे देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? कॉमन प्राइम फैक्टर है आपका 2 और उसकी स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 क्योंकि इसमें और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब यहां पर देखिए 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 स्क्वायर और उसके बाद अगला प्राइम फैक्टर है 3 जिसकी ग्रेटेस्ट पावर है 1, तो ये हो जाएगा इंटू 3। अगला प्राइम फैक्टर है 5 उसकी ग्रेटेस्ट पावर है 1, तो ये हो जाएगा इंटू 5। अगला प्राइम फैक्टर है 17 तो ये हो जाएगा इंटू 17
और उसी तरीके से हो जाएगा इंटू 23। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 23,460। अब देखिए दोस्तों, हमको यहां पर HCF और LCM मिल गए। Now HCF is equal to 2 and LCM is equal to 23,460। अब हम अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लेते हैं। Now product of the two numbers is equal to 510 into 92, that is equal to 46,920, and HCF into LCM is equal to 2 into 23,460, and that is equal to 46,920. अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सेम इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा।